मैं मेरे समुदाय में गई और वहाँ देखा कि महिला पुरुषों को शहर के अंदर कहीं भी टॉयलेट नहीं है, इसलिए उनको खुले में टॉयलेट करना पड़ता है। मैंने कैमरा निकाला और वीडियो तैयार किया। वीडियो मैंने 2010 में तैयार किया। करौली जिला 1 लाख की आबादी वाला क्षेत्र होते हुए भी शौचालयों की अव्यवस्था होने के कारण पर्यावरण प्रदूषित होता है, इसके कारण लोगों का स्वास्थ्य भी खराब रहता है। मेन बाजारों में शौचालय नहीं हुए, जिससे महिला एवं पुरुष गलियों में शौच करने जाते हैं। शौचालय की व्यवस्था का एक जगह नहीं मिली है उनको बनाने के लिए। अच्छा, मैंने अपने प्रेस कमेटी के व्यक्तियों को साथ में लेकर व नगर पालिका और अग्रवाल समाज से सहयोग लेकर आज मेरे करौली शहर में टॉयलेट बन गए हैं। उन टॉयलेटों से मेरे करौली वासियों को निजाजत मिली है। सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है, अपने पत्रकार हैं श्रीमती सुनीता कसेरा जी, उनका काफ़ी प्रयास रहा है, उन्होंने इंटरनेट पर भी दिखाया है इसको, और उसके चलते थोड़ा सा प्रशासन में भी पब्लिक में जागरूकता आई है। उनके प्रयास से मंदिर वालों ने भी ध्यान देके और इस टॉयलेट को बनवाया, ये उनका बहुत सराहनीय कदम है, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह वो शहर की समस्याओं को उजागर करती रहें। हमारे यहाँ पे सुनीता जी है, उन्होंने वो करी थी जब जाके टॉयलेट बनवाया। सामुदायिक पत्रकारिता का जो काम है उसने मुझे कई मायनों में सशक्त बनाया है। मेरे काम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वीडियो बनाना और अपने समुदाय में बदलाव लाना। 2 साल बाद में मेरे समाज में मैं बदलाव लाई और मुझे उम्मीद होने लगी कि मैं ज़िंदगी में कुछ और कर पाऊँगी। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहर्ड के लिए।